बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐशा देओल भारत तख्त आने से तलाक के बाद अपनी दोनों ही बेटियों की कस्टडी के अपने नाम कर चुकी हैं। इस पर उन्होंने क्लेरिफिकेशन भले ना दी हो, बेटियां उनकी उनके साथ ही दिखती है, राध्या और मिराया, और वो अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती है, यानी कि अपनी माँ हेमा और बहन अहाना के साथ। रिसेंटली एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के दौरान ईशा देओल ने काफ़ी बड़ा राज खोला। जी हाँ, उन्होंने ये बताया कि मुझे कई चीज़ों को लेकर आज सफाई देनी पड़ रही है, और उन्होंने कहा कि वो किस तरह से अपने परिवार में अपने पिता की खुशी के लिए ज़िंदगी पाबंदियों वाले जीती थी, लेकिन अब वो ये सब नहीं चाहती है अपनी ज़िंदगी के साथ और ना ही अपने बच्चों के लिए ऐसा कुछ चाहेंगी। ईशा ने कहा कि मैंने आज से कई साल पहले अपनी असफलता को लेकर जो कहा था, वो आज जो मेरी सोच है उससे काफ़ी अलग है और अब मेरी सोच पूरी तरह से बदल गई। बता दें कि भारत और ईशा के बीच दूरियां भी ईशा के काम की वजह से आई। बेटियों की परवरिश के दौरान वो ऑलरेडी अपने पति को कम समय देती थी और टाइम नहीं मिल पाता था, जिससे परिवार दोनों पति पत्नी के शादीशुदा जीवन में दूरियां आने लगी थी, और जब उन्होंने काम शुरू किया, वापसी करने का फैसला लिया, तो वो और बिजी रहने लगी, जिसके कारण भारत के मन में ईशा को लेकर शिकायतें बढ़ने लगी थी। वो शिकायतें इस कदर बढ़ने लगी कि आखिर में इन्हें अपने रास्ते अलग करने पड़े थे, जिसका अब ईशा को पछतावा नहीं, क्योंकि वो अपने सपने जो अधूरे छोड़ गई थी शादी के बाद वो पूरा कर रही हैं। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।